तो हेलो गाइस, आप लोगों का एक और बार स्वागत है हमारे चैनल अभय दीक्षित क्रिकेट में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनपीएल के बारे में। एनपीएल के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है और इसके बारे में मैंने स्पेसिफिक बता रखा है इसमें इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये आईपीएल के जैसे सिमिलर क्यों है और इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, कब इसके ट्रायल होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स होंगे, उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। तो एक बार उसको भी जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनपीएल के एक अपडेट के बारे में, मतलब इनके एक शहर के क्रिकेट ट्रायल और होने वाले। इनके अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर क्रिकेट ट्रायल हुआ था जो कि 6 मार्च को हुआ था। हो सकता है आप में से किसी ने दिया भी होगा और जिसने दिया है वो कमेंट करके हमें जरूर बताना किस किस ने इसका ट्रायल दिया था 6 मार्च को दिल्ली से। और इसका जो क्रिकेट ट्रायल होने वाला है दूसरे शहर में, उसका नाम है शहर का नाम जयपुर। जयपुर के अंदर होने वाले इनके अगले ट्रायल और ये बहुत सारे स्टेट्स में होंगे, मतलब 23 स्टेट्स में होंगे। अगले ट्रायल जयपुर के अंदर है और कब होंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो गाइस हम आ चुके हैं इनकी वेबसाइट पे, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो वहाँ से जाके आप यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी अवेलेबल है क्योंकि अभी इनके क्रिकेट ट्रायल्स के रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर आप इसको राजस्थान से देख रहे हो तो। और यहाँ पर मैंने आपको थंबनेल में बता दिया था कि 14 से लेकर 24 ईयर्स तक के लोगों के लिए ही है ये। अगर आप इससे ज़्यादा हो या फिर इससे कम के हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर कौन कौन से बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 750 रुपये, जो हमने आपको पहले ही बता रखा है। और अगर आपका ट्रायल में सलेक्शन हो जाता है तो आपको सलेक्शन मैचेस खिलाए जाएंगे, उसकी फ़ीस होगी 7,000 रुपये। जी हाँ, 7,000 रुपये आपको सलेक्शन मैचेस की फ़ीस लगेगी। और उसके बाद में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मैंने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में बता रखे हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ट्रायल की फ़ीस जमा करानी है तो आपको पे ट्रायल फीस पे जाना है और फीस जमा करा देनी है। सलेक्शन मैचेस में अगर आपका सलेक्शन हो जाता है तो आपको सलेक्शन फ़ीस जमा करा देनी है यहाँ पर। तो हम सीधे चलते हैं इनके होम पर और मैं आपको बता देता हूँ इनका कब होगा जयपुर के अंदर इनका क्रिकेट ट्रायल। सो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर जयपुर के अंदर इनका क्रिकेट ट्रायल होगा 3 अप्रैल को, आप देख पा रहे हो। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 17 मार्च, 17 मार्च तक आप जयपुर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी बंदा इसको जयपुर से देख रहा है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना, सबसे पहले हमने आपको अपडेट दे दिया है। और जिन बंदों ने दिल्ली से ट्रायल दिया था वो बोल रहे थे कि हमें हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो भाई वेट करो, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा आपका रिजल्ट। जब भी इनके बता देंगे या लोग आपको कि कब इनका रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पर जो है वो अपडेट कर दी गई है इनकी गैलरीज, आप अपनी फोटोज़ भी देख सकते हो जिन्होंने दिल्ली से क्रिकेट ट्रायल दिया था, तो उसमें अपडेट कर दी गई है। हो सकता है आपकी भी फोटो हो इनमें से एक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके ही जाना क्रिकेट के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो बाय गाइस।